गाजियाबाद में पुलिस के 58 लाख की ज्वेलरी और करीब 5 लाख की नकदी बरामद की है। एक कारोबारी के घर से यह चोरी हो गया था। कारोबारी का चौकीदार का बेटा ही साजिश का मास्टरमाइंड निकला। कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में बीती 27 तारीख को लोहा कारोबारी अंकुश बंसल के घर चोरी हो गई थी। कवि नगर इलाके की पूरी वारदात थी। पहले आपका नाम बताओ। अंकुश बंसल। अंकुश जी, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से चोरी हुई थी, आप किस चीज़ के लिए? हमारा पाइप का काम है, साहिबाबाद पाइप मार्केट में बंसल ट्यूब्स के नाम से। हम लोग, मेरी बेटी का पहला जन्मदिन था, उसके लिए गए थे रेडिसन में खाना खाने। हम लोग घर पे वापसी आए हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा सब अंदर से बंद है। अब अंदर से बंद है तो हमारा शक गया, तो हमने दरवाज़ा देखा, हमने हमारा घर की खिड़की को देखा, तो उसके अंदर हमने देखा सारा बेड उथल पुथल हुआ हुआ खुल के, तो हमारे को शक हो गया। फिर हमने यहाँ लोकल चौकी से, अपने घर के बाहर जो चौकी है वहाँ से बुलाया, उन्होंने ऊपर से जाके देखा, छानबीन करी, तो पता लगा ये है घर की, उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी जिसके बिहाफ पे ये चोरी करी। कब से ये लोग आपके यहाँ काम कर रहे थे? करीबन 15 साल से। यही परिवार लगभग आपके पूरा क्या क्या काम कर रहा था? इनके पिताजी हमारे यहाँ चौकीदार थे जी, और जो माँ है वो घर का झाड़ू पोछा करती थी, और ये 3 साल से हमारे यहाँ ड्राइवरी करता था। जिस वक्त ये चोरी हुई उस वक्त आपसे जब जानकारी लेने मीडिया गई थी या और किसी को बताने से? किसी को भी बात नहीं किया। ऐसा होता है, धीरे धीरे आदमी समझता है। उस समय डायरेक्ट शक हमारा उस पर नहीं गया था, थोड़ी देर बाद आया था उस पर शक। उस समय फिर हमने बता दिया था।